बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना रीकैप। इन द प्रीवियस क्लास वी वर्क अबाउट लर्न अबाउट द वर्क ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम गिव अस फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर एंड शेप। इट प्रोटेक्ट्स अवर डेलिकेट ऑर्गन एंड इट अलाउ अस टू मूव। बोन्स अलाउ अस टू मूव। देन टुडे our topic is muscles and types of muscles. At the end of this class we will able to identify the types of muscles. The learning outcomes are we can identify the types of muscles. Muscles sabse pehle to hame batana chahiye muscles hote kya hain. Muscles are attached to bones. Muscles jo hain wo attach hue hote hain bones se. They help us to walk, run and smile. ये हमें हेल्प करते हैं कोई भी दुनिया का काम करना है, हमें हंसना है, सोना है, जागना है। इवन इफ़ वी वॉन्ट टू ब्रीथ तो भी हमें सांस लेने के लिए भी मसल्स को यूज़ करना पड़ता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। माई बॉडी में तकरीबन 600 मसल्स मौजूद हैं। द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज आर कार्डिक, स्मूथ एंड स्केलेटल। तीन मेन तरह के मसल्स टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में। नंबर वन कार्डिक, स्केलेटल एंड स्मूथ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्डिक, कार्डिक मसल्स जो है हमारे हार्ट पे मौजूद होते हैं और ये जो है हमें सांस लेने का जो भी प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल होते हैं। ये दे आर इनवॉलेंटरी कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये खुद ब खुद ही काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल ऑर्गन्स, वॉल ऑफ ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट के अलावा तमाम ऑर्गन्स में मौजूद होता है और ये जो है हमें, अगर ये हमारे फर्स्ट क्लास स्टमक में है तो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है और हमारी चीज़ों को कंट्रोल। ये भी इनवॉलेंटरी होता है यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, खुद ही इसका वर्क चल रहा होता है। कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी कंट्रोल्ड, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये खुद ब खुद ही अपना काम कर रहे होते हैं। फिर थर्ड वन है दैट इज़ स्केलेटल मसल्स। दिस इज अटैच्ड टू आवर स्केलेटल सिस्टम और ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। दे आर अंडर वॉलंटियर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनको मूव करा सकते हैं। मीन्स अगर हमें आँख खोलनी है तो हम आँख खोलेंगे, अगर हमें हाथ ऊपर उठाना है तो हम उठाएंगे। तो ये मसल्स जो हैं हमें हमारी मर्जी से काम करते हैं, स्केलेटल मसल्स। बाकी जो दो मसल्स हैं वो इनवॉलंटियर मसल्स कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, हमारी मर्ज़ी से काम वो नहीं करते हैं। तो अब हमने आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास तीन तरह के मसल्स होते हैं, कार्डिक, स्केलेटल एंड स्मूथ। कार्डिक हार्ट में होते हैं, स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच होते हैं और स्मूथ हमारे ऑर्गन्स की वॉल्स पर होते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल्स लाइक दिस, you can see the picture of this cardiac muscle. Skeletal muscles are like this, straight lines, and smooth muscles are like this, spindle shaped. ठीक है, तो आई विल शो यू अ वीडियो टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। Without muscles, you couldn't open your mouth, speak, shake hands, walk, talk, or move your food through your digestive system. There would be no smiling, blinking, breathing. You couldn't move anything inside or outside you. The fact is, without muscles, you wouldn't be alive for very long. Each muscle causes a particular movement.
Like bones, there are different types of muscles too. The type of muscle depends on whether the muscles are attached to the bones or not. Muscles which are attached to bones are called skeletal muscles. They are in our control, so also known as voluntary muscles. Involuntary muscles are the muscles which are not in our control, like cardiac muscles, smooth muscles. Voluntary muscles are the ones that we can control. Most of them move our bones around. If you want to run, walk, ride a bike, wave your arms around, or eat your favorite sandwich, it is your voluntary muscles which move your arms, legs and body around. But they can't do that unless your brain sends right message to the right muscles. Do you have to think about making your intestine and stomach digest the food? Or do you have to remind about your lungs to keep inhaling and exhaling air? No, the movement of these muscles can't be controlled by us. They know their job and they keep right on doing it. These are called as involuntary muscles present in the internal organs like stomach, intestines, etc. They are not attached to any bone. They do not have stripes and hence called as smooth muscles. What happens when you feel cold or get scared? The tiny muscles at the bottom of the hairs on your arm make your hair stand up when you are cold or suddenly feel scared. And what about the muscles of the heart? They also keep working by themselves and cannot be controlled by us. They work non-stop, pumping blood through the entire body. These are striped and branched muscles. These are called as cardiac muscles. These muscles need continuous supply of energy as they work without rest. In a nutshell, the muscles can be divided into two categories. इसमें हमने क्या पढ़ा कि muscles जो हैं वो two categories में एक है voluntary muscles एक है involuntary muscles. जो involuntary muscles हैं उसमें मौजूद हैं smooth muscles और cardiac muscles. Smooth muscles कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे स्टमक वगैरह में. कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट वगैरह में. हमें इनको काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही से काम करते रहते हैं. और वॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? इन आवर स्केलेटल सिस्टम. वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स. अगेन, इनवॉलेंटरी मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, कार्डियक, दैट इज muscles of heart which are striped and branched, and smooth muscles like in stomach, intestine, which have no stripes. How are muscles joined to the bones? Wondering again, is some glue used? The muscles are attached to the bones by the strong fibers called tendons. Every time you walk, settle into a chair, hug your mother, you're using your bones, muscles and joints. Without these important body parts, we wouldn't be able. इसमें ये बता रही हैं कि muscles, bones और joints जो हैं वो हमारे लिए बहुत important होते हैं. जब ये मिलके काम करते हैं तब भी हम कोई बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, काम कर सकते हैं. Able to stand, walk, run or even sit. Since bones and muscles are so important, how do we take care of them? We should take healthy diet. The bones are made up of calcium and phosphorus, minerals. The bones get brittle, meaning they break easily due to lack of calcium and phosphorus in our food. तो हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए? हमें मिल्क लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके
और हमारी क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, स्केलेटल से, और स्केलेटल किस चीज़ से बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस से, ठीक है। तो हमें अच्छा सा हमारी बॉडी ताकि स्ट्रांग हो जाए उसके लिए हमें कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसको दोबारा देखिएगा, सही से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख के इसको समझने की कोशिश करिएगा। खुदा हाफिज़।